हाई एवरी वन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। एंड टूडेज टॉपिक इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितने टाइप की होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो टाइप की होती है। फर्स्ट वन इज इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड द सेकंड वन इज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सबसे पहले हम टेक डाउन करेंगे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। जैसे इंटरमोलिकुलर से पता चल रहा है कि जैसे हमारे स्कूल्स में होता था कि इंटर स्कूल कंपटीशन होता था या फिर इंटरनेशनल मैचेस होते हैं। इंटरनेशनल मैचेस में क्या होता है कि दो डिफरेंट कंट्रीज आती हैं, उनके बीच में मैच होता है। या फिर इंटर स्कूल में क्या होता था कि दो डिफरेंट स्कूल्स आते थे, उनके बीच में कॉम्पिटिशन होता था। ऐसे ही इंटरमोलिकुलर है, मतलब कि दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होंगे, उनके बीच में जो बॉन्डिंग होगी उसे हम इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलेंगे। तो आपको याद रखना है कि कौन इंटरमोलिकुलर शो कर रहा है और कौन इंटरमोलिकुलर शो नहीं कर रहा है। तो आपको दो कंडीशन सिर्फ याद रखनी है कि जो हमारा हाइड्रोजन होगा वो FON यानी फोन, आपको ऐसे याद रखना है कि हमारा जो हाइड्रोजन है वो फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, इनसे जुड़ा होना चाहिए डायरेक्टली। और सेकेंड कंडीशन है कि जिससे वो बॉन्ड बना रहा है, यानी कि जो हाइड्रोजन है वो जिससे बॉन्ड बना रहा है वो भी FON से ही जुड़ा होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन हमारी फुलफिल कर रहा है तो वो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो करेगा, अदरवाइज वो शो नहीं करेगा। जैसे आपके सामने ये एग्जांपल है, ये हमारा OH है, ये OH है और ये OH है। अब जो ये हमारा जो हमारा हाइड्रोजन है ये डायरेक्टली ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है और फर्स्ट कंडीशन तो हमारी फुलफिल कर रहा है। सेकंड कंडीशन क्या है कि जिससे वो बॉन्ड बना रहा है, यानी कि ये इससे बॉन्ड बना रहा है, वो भी FON से ही जुड़ा होना चाहिए। तो ये है इससे बॉन्ड बना रहा है, तो देखिए ये है, ये ऑक्सीजन FON वाला आ रहा है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो कर रहा है, यानी कि ये हमारी दोनों कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है, तो ये हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो करेगा। बस आपको इतना याद रखना होगा कि ये विद इन द मॉलिक्यूल है या फिर टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं। जैसे मैं आपको एक बताता हूं कौन शो नहीं कर रहा है। जैसे आपके सामने ये मीथेन ले लेता हूं मैं, H एंड H, और ये हमारा H। ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो उसमें माइनस डेल्टा आ जाएगा, हाइड्रोजन कम होता है तो उसमें प्लस डेल्टा आ जाएगा चार्ज। तो जैसे हमारा ये है ऑक्सीजन, ये हमारा हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन हमारा डायरेक्टली कनेक्ट है FON से, पहली कंडीशन तो फुलफिल कर रहा है, लेकिन ये भी जुड़ा होना चाहिए FON से, लेकिन यहाँ पे कार्बन है तो ये हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो नहीं करेगा। आपको ऐसे देखना, सिर्फ दो ही कंडीशन है, आप बड़े इजीली इसको टेक डाउन कर सकते हैं। और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या होता है, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हमारा सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर जाता है। आपको याद रखना है कि दो ही कंडीशन है, हाइड्रोजन FON से जुड़ा होना चाहिए और जिससे वो बॉन्ड बना रहा है वो भी FON उसमें डायरेक्टली कनेक्ट होना चाहिए, और उससे हमारा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है। अब हम टेक डाउन करते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। तो जैसा नाम से आपको पता चल रहा है कि इंट्रामोलिक्यूलर मतलब विद इन द मॉलिक्यूल। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं, कंडीशन सेम वही रहेंगी जैसे इंटरमोलिक्यूलर में थी पहली और दूसरी कंडीशन, सेम इंट्रा के लिए भी यही रहेगी, बस उसमें दो डिफरेंट मॉलिक्यूल होते थे, इसमें विद इन द मॉलिक्यूल होगी। जैसे मैं आपके सामने ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल बनाता हूं, ये आपका नाइट्रो ग्रुप लग गया और ये आपका OH। जैसे आपके सामने ये है, ये हमारा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है। अब ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में हमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को अप्लाई करना है, तो सबसे पहले हमें वही पहली कंडीशन देखनी होगी, जो हाइड्रोजन है वो हमारा FON से जुड़ा होना चाहिए। ये हमारा हाइड्रोजन है और ये हमारा FON से O से जुड़ा हुआ है, और जिससे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा उसमें भी FON होना चाहिए और ये विद इन द मॉलिक्यूल है तो इसे इंट्रामोलिकुलर बोलेंगे। और ये हमारा जो O है वो भी FON से जुड़ा हुआ है, ये नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है। जो इनके बीच में बॉन्ड बनेगा वो होगा हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड, और इसे हम बोलेंगे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि ये विद इन द मॉलिक्यूल है। और आपको याद रखना होगा कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डिक्रीज कर जाता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से हमारा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से हमारा बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करता है। और आपको एक बात याद रखनी है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग यानी कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से हमारी एसिडिक स्ट्रेंथ भी बहुत सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर जाती है।
और हमारी जो हाइड्रोजन इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है या हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो हमारी डोमिनेटिंग फैक्टर होती है ओवर ऑर्थो इफेक्ट। अगर जहां पे ऑर्थो इफेक्ट और हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोनों लग रही है तो हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा इंक्रीज डोमिनेटिंग फैक्टर हो जाती है कंपेयर टू ऑर्थो इफेक्ट। अगर आपको ऑर्थो इफेक्ट नहीं आता तो मेरा नेक्स्ट वीडियो ऑर्थो इफेक्ट पे ही है, आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं। जैसे आपके सामने एक ये क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन में पहले वाले में जो है हमारे वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है और दूसरे वाले में हमारे ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है। ये हमारा सेम वही कंडीशन अप्लाई करेंगे कि हाइड्रोजन FON से जुड़ा होना चाहिए और जिससे वो बॉन्ड बना रहा है वो भी FON से ही जुड़ा होना चाहिए डायरेक्टली। तो यहां पे हमारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है और इस वाले मॉलिक्यूल में हमारे ऑर्थो इफेक्ट शो कर रहा है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग और ऑर्थो इफेक्ट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हमारा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और ऑर्थो इफेक्ट दोनों ही एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं, ये दोनों ही उसके फेवर में है। लेकिन इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो डोमिनेटिंग फैक्टर होता है ऑर्थो इफेक्ट। इन केस यू डोंट नो अबाउट ऑर्थो इफेक्ट तो मैंने इसका एक वीडियो बनाया, आप उसे भी देख सकते हैं। तो यहां पे इस वाले मॉलिक्यूल की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी कंपेयर टू इस वाले मॉलिक्यूल के। और जाने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, जिसका आंसर सबसे सही और विद एक्सप्लेनेशन होगा उसके क्वेश्चन उसके आंसर को मैं कमेंट सेक्शन में पिन करूंगा। और अगर आप यहां तक आ गए तो वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड तब तक ऐसे ही मेहनत करते रहिए और मजे करते रहिए। जय हिंद जय भारत।